सलाम नमस्ते सत श्री अकाल क्या हाल चाल क्या बल्दी पब्लिक चल मचा दे वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। आज 23वीं शब है तो मस्जिद चलेंगे, इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगेंगे। तो चलते हैं मस्जिद में। तो आकिब क्या हुआ, शहरी का इंतजाम हो गया? तैयारी है बस। क्या बना लिया आज? माशाल्लाह तो तैयारी है। वकील साहब ही इंतजाम कर रहे हैं। वकील साहब को वकील साहब दिख रहे हैं, खिदमत में है वकील साहब। वकील साहब को बुलाओ यार। वकील साहब आगे जरा दिखा दो। नाम क्या? ब्लॉग विद अहमद खान, सब्सक्राइब करो। नहीं आप तो हमने करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकील साहब तैयारी हो गई? वकील साहब सब्सक्राइब भी करें। और खिदमत भी करें। जाओ चाचा के पास। धीरे 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 चिल्लाओ मत यार। तो दोस्तों ये हमारे अकरम चाचा हैं और मस्जिद के खाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, सारा काम यही संभालते हैं और सारे बच्चों को लेके चलते हैं। तो अल्लाह ने बहुत कबूल किया है इन्हें। चलो खोल लगवा लो, खोल लगवा लो, खोल लगवा लो, खोल लगवा लो। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी सहरी का इंतज़ाम हो गया है और मस्जिद की सहरी है और हमारे सोहेल भाई भी आ गए हैं, आकिब लाला हैं और मोहसिन हैं। तो माशाल्लाह सहरी कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जल्दी से सहरी करते हैं। और उधर भी खून लग गए, अकरम चाचा खून लगा रहे हैं और इधर भी खून लग चुके हैं बच्चों के। हमारे नासिर भाई भी आ गए हैं, नासिर भाई चले गए थे धार छोड़ के, बाकी रमज़ानों में आ गए हैं वो। पठान मचा दो मचा दो। Few moments later. तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी मस्जिद की गली और सारे बंदे मिलके मस्जिद की गली को सजा रहे हैं और लाइटिंग का काम चल रहा है। खींचो आराम आराम से, अरे बोला ना तुम भी खींचो। ऊपर करना पड़ेगा ना बहुत, गुच्छी बनाना पड़ेगी, गुच्छी गुच्छी बनेगी। हमारे प्रेम भाई का नाम लेते हैं, प्रेम भाई लाइट डेकोरेशन वाले।
ये हमारे जो किरण भाई है हमारे युवा ठेकेदार के लड़के हैं, ये लाइट डेकोरेशन वाले वही है। अच्छा, और माशाल्लाह रात भर से मेहनत करी हमारे सब इन लोगों ने, ये हमारे किरण भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अभी ये क्या झूमर लग रहा, ये झूमर है भाई, इसको चेक करवाएंगे आपको, अभी चेक नहीं किया, अभी चेक करेंगे, ये आज लग जाएगा, ये आज कम्प्लीट हो जाएगा, अभी सही बात इसको चालू करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये पिछली बार हमने इसको का पूरी होम वर्क में करी थी, हाँ इस बार उसमें तीन रंग डाल दिए अपने। बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, बहुत बढ़िया लग रही है। और दुआ करना हमारे लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो हमारे खाने वाले भाई रात भर से मेहनत कर रहे हैं। आ गए क्या हुआ दानी, कौन निकल गया था, कहाँ से? तो आप क्या कर रही थी? पोछा लगा रही हो? तो मैं निकल सकता हूँ क्या इधर से? क्यों, पोछा खराब हो जाएगा क्या? हाँ। अच्छा ठीक है भैया, नहीं निकलेंगे, सूख जाएगा फिर आऊंगा। ओहो हो, फिर ठीक है, आप मिटा दो। तो माशाल्लाह दोस्तों मेरी सहरी हो चुकी है, और मस्जिद में माशाल्लाह सहरी थी, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों के साथ सहरी करके, और एक अलग ही रौनक होती है अपने दोस्तों के साथ सहरी करने का, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो सहरी हो चुकी है, और अभी आपने देखा कि हमारी जो मस्जिद है उसकी गलियों को सजाया जा रहा है, ऐलान भी हो रहा है, 40 मिनट और बाकी है। ये जो माइक है वो मेरे घर के जस्ट पीछे ही है और मस्जिद पीछे ही है, तो साफ आवाज़ आती है, यहाँ तक कि जो कुरान की तिलावत भी होती है ना तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। तो माशाल्लाह 23वें रोज़ हो चुके हैं, मतलब आज 23वीं सब है, और कितनी जल्दी रमज़ान चलेगा पता ही नहीं चला, सिर्फ 7 रोज़े और बचे हैं, आज 23 रोज़े की सहरी हो गई है, और वक्त ये जो है ना बहुत तेज़ी से निकल जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुआएं मांगना चाहिए मगफ़िरत के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मगफ़िरत का महीना है, तो हमें ढेर सारी मगफ़िरत मांगना चाहिए, और हमें फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं कंटिन्यू मांगना चाहिए, और धार की जामा मस्जिद के लिए भी आप लोग दुआ करें, क्योंकि धार की जामा मस्जिद का भी केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो मस्जिद के लिए भी दुआ करनी है, और धार में भी सभी जगह दुआ चल रही है, यहाँ तक कि बैतुल्ला में भी धार की मस्जिद के लिए दुआ कर रहे हैं लोग, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कीजिए। तो दोस्तों हमारी चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पी के सहरी की नियत कर लेंगे, तो चाय पी लेते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों अजान हो चुकी है फजर की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सहरी हो चुकी है, नमाज़ के लिए चलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, तो चलते हैं नमाज़ के लिए। और माशाल्लाह हमारे कॉलोनी के मस्जिद के चौराहे का झूमर का काम 90% हो चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है, और टेस्टिंग अभी चल रही है, तो ये टेस्टिंग हो रही है हमारे चौराहे के झूमर की। 5 hours later तो दोस्तों अभी मेरी असर की नमाज़ हो चुकी है, और घर आ चुका हूँ, इफ्तार का टाइम होने ही वाला है, और जल्दी से इफ्तार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट वाली इफ्तारी की चाहत हो रही है, तो इफ्तारी का सामान अभी बन रहा है, तो जब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा ब्लॉग को अपलोड कर लेते हैं, एडिटिंग भी कर रही है, तो वो एडिटिंग करके फिर अपलोड पर लगा देंगे। दुआ मांग लो, दुआ मांग लो अनिल, आप भी दुआ मांगो।
तो दोस्तों इफ्तारी लग चुकी है और हमारी बेटियां आ गई हैं और जल्दी से खोलेंगे रोज़ा, बस टाइम होने ही वाला है और बब्बा जानी तैयार होके लेटे हुए हैं। चलो आप बैठ जाओ, रुला देती हो आप। तो माशाल्लाह दोस्तों इफ्तारी का टाइम हो चुका है, जल्दी से दुआ पढ़ते हैं अल्लाह वाला का सब तो वगैरह उन तो वाले का तो फिर तो वाला रिश्ते का खत्म हो। माशाल्लाह दोस्तों रोज़ा खुल चुका है और नमाज के लिए चलेंगे, अजान हो चुकी है। हाजिर भाई तो ये कल रात में झूमर लग रहा था तो लग चुका है दोस्तों और ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। क्या मेरे भाई लेट हो गया यार। तो माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं तरावी पढ़ के आया हूँ, तरावी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है और दाल चावल बनाए बीवी ने तो जल्दी से खाएंगे। आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल बनाए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।